का सीन है, वह का सीन है। निर्माण की वजह में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि निर्माण की आवाज़ पिछले एक महीने से ज़्यादा समय हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया से भी लगातार हम आपको यहाँ की जो वीडियो है वो दे रहे हैं। और अभी आपको एक लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ की बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन का एरिया पड़ता है, यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ब्रिस्बेन से टुम्बा की तरफ जो रोड जाता है, इस पर कई गाँव हैं जो जिनमें पानी भर चुका है, और जो कई कस्बे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पिछले लगातार 5 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जो खेती के काम थे वो उन पर भी बहुत खासा प्रभाव पड़ा है, और बारिश के कारण अनेक क्षेत्र हैं जिनमें काफ़ी पानी भर चुका है। जो लिंक रोड है वो बंद हो चुके हैं। लिंक रोड बंद होने के कारण सिर्फ हाईवे है, जो मेन हाईवे सिर्फ वही खुला रहता है जिस पर ट्रैफिक चलती है, और लोकल जो लिंक रोड है वो बंद हो चुके हैं। जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की जो नगर प्रशासन है, उसने भी चेतावनी दी हुई है कि जहाँ पर बारिश का पानी ज़्यादा है वहाँ ना जाए। और बारिश के कारण अनेक हादसे भी हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि अभी बारिश में एक बच्चे को और बच्चे के साथ साथ डॉगी भी था उसको भी बचाया गया है, उसके अलावा एक बुज़ुर्ग था वो भी गाड़ी ख़राब हो गई थी उसकी पानी में बह गई थी उसको भी यहाँ पर बचाया गया है। लगातार पिछले 5 दिनों से बारिश के कारण यहाँ पर जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ग्रेंथम है, ग्रेंथम का रास्ता बंद है। ग्रेंथम एरिया पड़ता है यहाँ पे, लैडले एरिया पड़ता है वो भी यहाँ पर बंद है, और गैटन जाने वाला जो लिंक रोड है वो बिल्कुल पूरी तरह यहाँ पर बंद है। ब्रिस्बेन से लगभग 100 किलोमीटर आगे गैटन पड़ता है, और गैटन से आगे टुम्बा पड़ता है। टुम्बा में भी भारी बारिश है। पिछले 5 दिनों से बारिश के कारण बहुत पानी भर चुका, निचले जो इलाके हैं उनमें पानी भर चुका है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी चेतावनी दी गई है, जिसके कारण खेती बाड़ी के जो काम उस पर भी खासा प्रभाव पड़ा हुआ है। और हवा की बात करें तो हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, बिल्कुल शीतलहर यहाँ पर चली हुई है। अभी सर्दी की यहाँ पर दस्तक शुरू हो चुकी है, सर्दी आने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार बेमौसमी बरसात हुई तो यहाँ के जो प्रशासन है वो भी लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, जो निचले इलाके हैं उनमें पानी में आगे सफर ना करें। और आपको बता दूं यहाँ के अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के इस प्रकार के पुख्ता प्रबंध है, हर प्रकार की जहाँ भी बाढ़ के हालात बने हुए वहाँ से लगातार फ्लड मॉनिटरिंग कैमरा के थ्रू लोगों को जानकारी दी जा रही है हर प्रकार की। और जो यहाँ पर न्यूज़ चैनल के जरिए हमको सूचना मिली है कि अभी 1-2 दिन और लगातार बारिश होने के चांस है। 5 दिनों के बारिश के बाद लगातार जो हालात बने हुए, आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ के हालात बने हुए हैं।